नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रायपुर में सीएम बघेल ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी हो चुकी है मुद्दा विहीन, बीजेपी के लोग केवल लोगों को करते हैं भ्रमित। कवर्धा में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन, मौके पर तमाम अधिकारी रहे मौजूद, जिले में नागरिक ले सकते हैं ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी। कवर्धा में जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का वन मंत्री ने किया शुभारंभ, मौके पर तमाम अधिकारी रहे मौजूद। बिलासपुर में सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई, अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गया गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब की बरामद। और बिलासपुर में तीन बहनों की नदी में डूबने से मौत, घटना से इलाके में मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। खबरों की शुरुआत करते हैं, खबर रायपुर से है जहां मुख्यमंत्री ने हरेली त्योहार की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों से भेंट मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा अनुभव रहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी को लेकर कहा कि जितना संभव हो सकेगा छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए हमारी सरकार हर संभव मदद करेगी। आज कलाकारों के साथ छत्तीसगढ़ कलाकारों से साथ भेंट मुलाकात, और इसमें बस्तर से लेकर सरगुजा तक के कलाकार आए थे। सभी कलाकार तो नहीं सकते क्योंकि हजारों कलाकार छत्तीसगढ़ में हैं, अलग अलग विधा के हैं, और कुछ थिएटर के भी हैं, कुछ फिल्म लाइन के भी हैं। वो सारे लोग आए थे और उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा अनुभव रहा। फिल्म नीति की बात हुई है, और जो मिक्सिंग करते हैं तो उसके भी मशीन वगैरह जो सब्सिडी मिलनी चाहिए उसके बारे में बात हुई, तो यदि यहाँ उस प्रकार की सुविधा मिल जाए या उनको सब्सिडी मिल जाए तो ये लोग बॉम्बे जाते हैं या उड़ीसा जाते हैं, उससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और क्वालिटी भी अच्छा होगा। इस प्रकार से सुझाव आए कलाकारों के, कुछ ये तो कहा कि पिछले सरकार में बहुत विलंब मिलता था, कमी आई, लेकिन अब भी उसको जो समय है पेमेंट का उसको और कम किया जाना चाहिए। अब खबर बिलासपुर से है जहां ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी 23 जुलाई रविवार को बिलासपुर के बेहतराई के इंडोर स्टेडियम में लोगों को खुशियों का पासवर्ड विषय पर संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि शिवानी दीदी ने वर्तमान सरकार के मंत्रियों और विधायकों को भी संबोधित कर चुकी हैं। 23 तारीख को प्रातः 10 बजे बेहतराई स्टेडियम में, इंडोर ऑडिटोरियम में बहुत सुंदर एक प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें हमारी कुशल वक्ता जो देश विदेश में अपने कार्यक्रम दे रही है, जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई है, आदरणीय शिवानी दीदी जी। तो शिवानी दीदी जी खास पूरे बिलासपुर को क्या, ये भी बताना चाहूंगी कि इसमें रायगढ़, कोरबा और अन्य कई स्थानों से भी हमारे भाई बहन आ रहे हैं, तो इसीलिए सभी को चाहिए खुशियों का पासवर्ड। तो आदरणीय शिवानी दीदी जी हमारे बीच में प्रातः 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक लगभग उपस्थित रहेंगे, और वाकई में उनको सुनने के लिए लोगों के अंदर, अच्छे एजुकेटेड लोगों के अंदर भी उत्साह दिखाई दे रहा है, और साथ साथ एक आम नागरिक, साधारण इंसान, क्योंकि हर की खुशी कहीं न कहीं गायब हो रही है। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त पीसीसी चीफ और बस्तर सांसद दीपक बैज पदभार ग्रहण करने के बाद राजीव भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। वहीं आपको बता दें, दीपक बैज ने कहा कि कल हमारा ऐतिहासिक पदभार ग्रहण हुआ, आज पहला दिन है, आज कार्यालय में बैठकों का दौर चालू कर रहे हैं, और उसके बाद एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के साथ बैठक कर संगठन में चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। उन्होंने कहा कि 60 दिन में हमें 90 विधानसभा में पहुंचना है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस की सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है सभी वर्गों के लिए, सभी तबकों के लिए,
और हमको जनता के बीच में जाने के लिए कहीं भी दिक्कत नहीं है, हमारा एक एक कार्यकर्ता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्थानीय व्यक्ति विशेष मुद्दा बनाकर वो चुनाव लड़ना चाह रही है। कल हमारा ऐतिहासिक पदभार ग्रहण हुआ, इसके लिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और संगठन के सभी बड़े लीडर्स सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज पदभार ग्रहण के बाद पहला दिन है, आज रविवार भी है, छुट्टी का दिन भी है, आज हमारे सभी यहाँ के स्टाफ आज के दिन थोड़ा रेस्ट करते हैं, लेकिन मैं निवेदन किया कि आज कम से कम कार्यालय खोलकर हम लोग बैठकों का कुछ दौर आज चालू कर रहे हैं। हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के साथ बैठकें होगी, फिर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन टीम जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यूथ कांग्रेस एनएसआई और सेवा दल महिला कांग्रेस सभी लोग को आज बुलाए हैं, ताकि ये भी प्रदेश के बड़े लीडर हैं, ताकि इनके संगठन का भी हम चर्चा कर सकें कि इनके संगठन में काम कैसा चल रहा है। उज्जैन में सोमवती अमावस्या पर बाबा महाकाल की दूसरी सवारी के दौरान बोतल से पानी पीकर सवारी पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता थाने पहुंचे और इन लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का प्रकरण दर्ज करवाया गया। वहीं एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने इस मामले में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बाबा महाकाल की सवारी के दौरान ढोल नगाड़े बजाने वालों ने पानी पीकर थूकने वाले समुदाय विशेष के लोगों का वीडियो बनाया था, उसके आधार पर खारकुआ थाने में कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें 2 आरोपी नाबालिग हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बाबा महाकाल की जो सवारी जो श्रावण मास में भादव मास में निकलती है, वो वैश्विक स्तर की सवारी होती है। पूरे देश और विदेश के जो जितने भी लोग हैं बाबा की सवारी देखने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आज का जो विषय है कि बाबा महाकाल की सवारी जब निकल रही थी यहाँ पर से टंकी चौराहे पे से खारकुआ थाने के नजदीक से, तो यहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर से कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा बाबा की सवारी पर थूका गया। वहां से निकलने वाले इंदौर के कुछ वहां से जब बाबा की सवारी देख के निकल रहे थे, तो उन्होंने उनको आवाज लगा के रोकने का प्रयास किया, तो उनके हाथ में बॉटल दी, बॉटल से उन्होंने वापस पुनः प्रयास करा उन पर थूकने का। जोर से जब चिल्ला चोट हुई तो वहां से भाग गए। जब ये विषय संज्ञान में आया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और बाकी सभी अन्य संगठन हिंदूवादी संगठन के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर आए। प्रशासन से हमने मांग करी है कि जो भी इस स्तर के जिस भी लोगों ने इस तरीके के कार्य कराए, पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। हम एसपी साहब से भी हमारी चर्चा हुई और हमने एक ही मांग करी है कि इस तरीके की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य जो किया गया है, शहर में सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य जो जिन भी युवकों ने किया है, उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाए, उनके मकान को ध्वस्त किया जाए। आज बाबा महाकाल की सवारी निकल रही थी, उसमें सवारी में काफी लोग शामिल थे। सवारी में जो अलग अलग तरह के जो ढोल और जो अपना उन्होंने देखा कि उनके ऊपर छत से किसी ने पानी पी करके कुछ थूकने की कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ था, तो उसका उन्होंने वीडियो बनाया और उसके आधार पर उन्होंने थाने में एक कंप्लेन दी, जिससे थाना में विधि सम्मत कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है और 3 संदिग्ध लोगों को अभी रक्षा मिली है। छत्तीसगढ़ के धमतरी से लगे ग्राम कुलियारी खरेगा दोनर जोरातलाई चर्रा मार्ग के नवीनीकरण और चौड़ीकरण की मांगों को लेकर पिछले कई सालों से 23 गांव के ग्रामीण लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने का सब्र का बांध जो है वो टूट गया और ग्रामीण आंदोलन के लिए सड़क पर उतर आए हैं। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर सड़क संघर्ष समिति के बैनर तले कोलियारी गांव से विधानसभा तक पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में बरसते बारिश में काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ रोड नहीं तो वोट नहीं और आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार के नारे लगाते रहे। वहीं इस आंदोलन को समर्थन देने बीजेपी के कई बड़े नेता और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इनके द्वारा मांग की गई थी कि जो सड़कें हैं उसकी मरम्मत का कार्य जो यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाए, तो इसमें संबंधित विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि 18 तारीख को इनका टेंडर ओपन होने के पश्चात जो है 19 तारीख से जो है रिपेयरिंग का काम उनके द्वारा शुरू कराया जाए। सर, ये मरम्मत का टेंडर है कि नवीनीकरण और चौड़ीकरण? मरम्मत का टेंडर है।
मान गए हैं प्रदर्शन का। नवनीकरण चौड़ीकरण के संबंध में भी उनको अवगत करा दिया गया है, तो शासन स्तर पर जो है वो स्वीकृति के लिए प्रक्रिया देने यथाशीघ्र स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात उस पर भी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यह गूंगी भैरी सरकार है, इसे न दिखाई देता है न सुनाई देता है, ये खूनी सरकार है, हत्यारी सरकार है। आए दिन लोग यहाँ पर घटनाओं से हताहत हो रहे हैं और स्थिति यहाँ तक बन बैठी है कि लोगों की जान जा रही है, लेकिन अभी भी सरकार को न दिखाई देता है न सुनाई देता है। जब से सदन प्रारंभ हुआ 2018 के चुनाव के बाद से लेकर लगातार सदन में मैं इस विषय को रखते रही कि सबसे अधिक हमको आवश्यक है तो दर्री खरेंगा जोरा तरी का जो 33 किलोमीटर का रोड है वो सबसे ज्यादा आवश्यक है, लेकिन आज तक लगभग 4 सालों से सरकार हमको इन्होंने भ्रम में रखा कि एडीपी की योजना में यह शामिल है, लेकिन आज पर्यंत तक यह रोड बन नहीं पाया। अब लगातार कोई न कोई एक्सक्यूज देकर यह सरकार अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है। आज सड़क संघर्ष समिति के माध्यम से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई है जो विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके पहले भी मैंने हजारों अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस सड़क में पदयात्रा की ताकि सरकार के कान में जू रेंग सके, लेकिन यह भरी सरकार है, इसको न सुनाई दे रहा है न दिखाई दे रहा है। 18 तारीख को टेंडर खुल रहा है बताए हैं और 19 तारीख को काम शुरू हो जाएगा बताए हैं। हमको आश्वस्त किया गया है कि 19 तारीख को काम शुरू हो जाएगा, अगर 19 तारीख को काम शुरू नहीं होता हम 21 तारीख को रोड को बाधित कर देंगे, खुदाई कर देंगे। हम उसको बोलते हैं कि अगर 19 तारीख का काम शुरू होता ठीक, नहीं तो हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, नहीं तो हम रोड खुदाई कर देंगे और चुनाव बहिष्कार तो हमारा अगर काम नहीं होता है, अगर हमारी मांगे पूरी होती है तो हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब खबर कवर्धा से है जहां लोक पर्व हरेली के अवसर पर जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ बोल्डा विकासखंड के ग्राम खंडसरा में हुआ, जिसकी शुरुआत प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने की। इसके साथ ही मंत्री गोठान पहुंचे जहां स्व सहायता समूह की महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री अकबर ने हरेली पर्व पर गोठान में कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना कर बधाई दी। को इस बात की जानकारी है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसी को जाता है तो मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को जाता है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है, आप सभी ने देखा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के जेब में पैसा डालने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। चुनाव के पहले उन्होंने वायदा किया था कि हम सबको राशन कार्ड बनाकर देंगे, सारे लोगों को राशन कार्ड बनाकर दिया गया, फिर एक और आदेश हुआ कि 4.5 साल के बाद बहुत से परिवार में शादी होने के कारण परिवार का मांग आता है कि बहू बेटा का अलग से राशन कार्ड बनाओ, उसके बारे में भी आदेश हो गया है और सारे लोगों को लगातार बनाकर वायदे के मुताबिक दे रहे हैं। जहाँ तक धान खरीदी की बात है, पूरे देश में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां 2500 रुपये मूल्य धान खरीदी का आपको दिया जाता है। खबर बिलासपुर से है जहां पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति बाइक में सफेद रंग की बोरी में देशी शराब बिक्री करने के लिए ले जा रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है, साथ ही आरोपी को जेल भी भेज दिया गया है। बिलासपुर में हरेली त्योहार के दिन दर्दनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें जहां 3 सगी बहनें अरपा नदी में नहाने गई थी और जहां वह उनकी डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें ये घटना कोनी क्षेत्र के सेंद्री की है। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक नदी में अवैध खनन किया जा रहा था, जिससे खुदाई के दौरान वहां गड्ढा हो गया जिसमें इन तीनों की डूबने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर कवर्धा से है जहां कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे ने जिला कार्यालय परिसर में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं आपको बता दें कि जिसमें ईवीएम प्रदर्शन केंद्र में जिले के नागरिक ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में जानकारी ले सकते हैं और इसमें हैंड्स ऑन भी कर सकते हैं।
खबर गरियाबंद से है, जहां छत्तीसगढ़ का पहला लोक त्योहार हरेली पर्व और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री शिव डहरिया शामिल हुए। इस दौरान मंत्री डहरिया ने पारंपरिक खेलों में भी भाग लिया। आपको बता दें कि इस त्योहार को राज्य सरकार पहली बार प्रदेश स्तर पर मना रही है, जिसमें विभिन्न जिले में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर हरेली का त्योहार पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज छुट्टी भी दिया गया है ताकि लोग अच्छे से त्योहार का आयोजन कर सकते। इस अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ी खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा और उसमें प्रतियोगिता होगी। बहुत सारे पुरस्कार गांव से लेकर प्रदेश स्तर पर दिए जाएंगे। एक अच्छा आयोजन इस अवसर पर किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हो रहा है। तो मैं हरेली त्योहार के अवसर पर, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खबर बिलासपुर से है, जहां पूरा छत्तीसगढ़ जब अपना पहला त्योहार हरियाली अमावस्या मना रहा है, तो उसी दौरान एक ही परिवार की तीन किशोरियों की अरपा नदी में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें यह हादसा नदी में नहाते वक्त हुआ। वहीं बच्चों की मौत होने के चलते ग्रामीण आक्रोश में आ गए और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया, जहां पुलिस ने लोगों को समझाकर चक्का जाम खुलवाया। ए लईका मार आप यहाँ रे की के आज नदिया नहाए जाबो दाई की के गए चली से नदिया नहाए जातन की के गई से एक भी लईका नहीं चारों पांच की मोर लईका मन गई से अब भैया पता गई से ना कब रहा एक छोहा काके लईका मन डूब जा है नहीं निकला थे का दौड़त दौड़त आए हम लईका मन ना अब वो सरपंच रही तन गड्ढा खने मोरे लईका आज पूजा देव आ गए तीन तीन थी लईका मोर पानी में डूब के आज मोर कौन है देवैया मोर लईका के जीवला लाहा का कोनो अब लईका मन मोरे घर के लईका गाड़ी से कतक दिन कतक लईका मंदिर चार पांच ही गाड़ी से आओ। कुछ लोगों द्वारा आज कोनी थाना क्षेत्र में सेंद्री तराहा में कुछ लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। वो आज कोनी थाना क्षेत्र में अरपा नदी किनारे तीन युवतियों की डूबने से मौत हुई, उसके तत्काल मुआवजा के लिए लोगों द्वारा डिमांड किया गया और लोगों को समझाइश दी गई कि प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। कुछ कार्रवाई की भी बात हो रही है, बहुत सारे आरोप भी पुलिस पे भी लग रहे हैं, प्रशासन पे भी लग रहे हैं पैसे लेने का और अवैध रेत उत्खनन का, उसमें किस तरह समझाइश दी है? ये बात लोगों द्वारा रखी गई है और इस पे जो कार्रवाई होगी जो उचित कार्रवाई के अनुसार वैधानिक कार्रवाई। बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में एक ही परिवार के तीन बच्चियों का नदी में डूब जाने से मौत हो जाने की घटना दुर्घटना सामने आई थी, जहां आज सुबह लगभग 8-9 बजे के बीच में बच्चियां नहाने के लिए नदी में वहीं पर उन लोग के डूब जाने से दर्दनाक मौत हो गई थी। तीनों बच्चियाँ एक ही परिवार से एक ही घर से थी और बताया जा रहा है कि ये जो मौत का कारण है नदी में रेत खुदाई के दौरान जो गहराई जरूरत से ज्यादा गड्ढा हो गया है उसमें डूब के मौत होने की जो घटना है वो सामने आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि परिवार द्वारा घंटों चक्का जाम करने के बाद प्रशासन के आश्वासन के बाद चक्का जाम को अभी हटाया गया है, जिससे ये आवागमन शुरू हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं आप ये चारों तरफ कई घंटों तक जो हाईवे है नेशनल हाईवे है उसको ग्रामीणों ने जाम करके रखा था, प्रशासन के आश्वासन के बाद ये चक्का जाम अभी हटाए हैं। साधना प्लस के लिए बिलासपुर से शेष यादव की रिपोर्ट। खबर मुंगेली से है, जहां जगत गुरु रुद्र कुमार प्रभारी मंत्री ने हरेली त्योहार पर मुखर्जी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ में अनेकों ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया, जहां प्रदेश वासियों को बधाई देते हुए उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पुरानी परंपरा को जीवित रखने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार के रहते सभी कला संस्कृति को सहेजने का काम किया जा रहा है। अब खबर रायगढ़ से है, जहां हरेली के दिन जिला बीजेपी कार्यालय में गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने दौड़ लगाई। आपको बता दें साथ ही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व हरेली को भाजपाइयों ने उत्साह और उमंग के साथ मनाया।
तो आपको बता दें कि प्रदेश भर में हरेली का त्यौहार मनाया जा रहा है और जिसको लेकर अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको रायगढ़ की दिखा रहे हैं जहां पर कई खेलों का जो है आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में हरेली का त्यौहार पहला बड़े बढ़िया सब ये मिलजुल के मनाते और ये त्यौहार एक प्रकार ने कहा तो प्रकृति की खेती बाड़ी के पेड़ पौधा की सबसे उपासना है। तो हम भाजपा कार्यालय में विसर्जन हरेली त्यौहार मनाए पर इकट्ठा हुए हैं और ये त्यौहार में गेड़ी चढ़ने के सुंदर रिवाज है। मतलब तो भाजपा कार्यकर्ता मन कहें कि हम भी चढ़ो हम भी खेल कूद तो फिर भरिए आज यहाँ से गेड़ी के दौड़ लगा रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता और हरेली त्यौहार मना रहे हैं। खबरें उठ के आ रही है कि कांग्रेस के ओलंपिक के बाद या छत्तीसगढ़ के बाद ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है, देखा देखी नहीं किया जा रहा है? देखा देखी की बात नहीं है, खेल तो बढ़ सारा है ना। अब भूपेश जी गेड़ी 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 कर रहे थे तो हमन के भी ओपी चौधरी साहब बोले से वे तेलकेश गेड़ी करते तो हमन तो छत्तीसगढ़ के पुत्र हैं, हम तो छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा है। ओपी चौधरी तो ओपन चैलेंजेस है कि भूपेश जी आ जावा तुमन और हमन दोनों दिन गेड़ी चढ़ के दौड़े कॉम्पिटिशन हो जाए। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्यौहार हरेली जिसको हर छत्तीसगढ़िया शान शौकत और उत्साह के साथ मनाता है और इसी कार्यक्रम को मनाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सभी भाजपा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और आज हम बड़े उत्साह और उल्लास के साथ आज हरेली का एक कार्यक्रम को हम खबर धमतरी से है जहां एक समय था जब गंगरेल पर्यटकों का स्वागत कहा जाता था लेकिन अब विभाग ने गंगरेल डैम के अंदर जाने की मनाही कर रखी है और गंगरेल एंट्रेंस में एक नाका बना दिया गया है। वहीं इस नाके को विभाग द्वारा ठेके पर दिया गया है जहां नाके में तैनात कर्मियों की तरफ से गंगरेल में प्रवेश करने के लिए सैलानियों ने जबरन वसूली की जा रही है जिससे कि लोग काफी परेशान भी हैं। बेमेतरा जिला मुख्यालय सहित जिले के सभी गांवों के कस्बों में हरेली त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें इसी कड़ी में नगर पंचायत देवकर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भी हरेली का त्यौहार मनाया गया जहां मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि अविनाश चौबे उपस्थित रहे। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आज बहुत अच्छा दिन है, हरेली के त्यौहार है। देखो हरेली के त्यौहार हमारे छत्तीसगढ़ के पहला त्यौहार होते आज प्रकृति भी उत्सव मना है, चारों तरफ हरियाली है, मेघ वर्षा करत है। ऐसे हमला वृक्षारोपण करके प्रकृति के महत्व समझ के आगे बढ़ना है। प्रकृति रही तभी हमारे मानव जाति अच्छा करी। हमारे युवा साथी मन से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हरेली के त्यौहार मना। खबर डोंगरगांव से है जहां बरगाव नदी के तेज बहाव से नगर का एक युवक बह गया। आपको बता दें कि युवक अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। वहीं बताया जा रहा है कि वो नगर के प्रसिद्ध वकील ओम प्रकाश पाठक का इकलौता बेटा था जिसे तैरना भी नहीं आता था। फिलहाल स्थानीय पुलिस युवक के परिजन और नगर के लोग मौके पर मौजूद है और दुर्ग गोताखोर की टीम के द्वारा युवक की तलाश भी की जा रही है। अब खबर सागर से है जहां उत्तर वन मंडल के खुरई रेंज के अंतर्गत वंचों की जरुआ खेड़ा के आरएफ 70 उत्पादन क्षेत्र के अवैध रूप से सागून की कटाई की जा रही है जहां वन विभाग के दबिश देकर ठाकुर बाबा मंदिर के सुलभ कॉम्प्लेक्स के टैंक पर रखी सागून की 6 सिल्ली जब्त की गई है जिसकी बाजारी कीमत लगभग 16,000 रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कल दोपहर में सूचना मिली थी कि ठाकुर बाबा परिसर के सुलभ कॉम्प्लेक्स के पीछे कुछ गीले अवैध सागौन के नग हैं जिसको स्टाफ को और जांच दल को भेजा गया जिसमें 6 नग अवैध सागौन के चौकोर कटे हुए मिले थे जिसकी जब्ती बना के अज्ञात में वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है और आज जांच करने पे पास में ही नजदीकी 2 अवैध ठूंठ भी पाए गए हैं जिनसे वो लकड़ी काटी गई है और केस जो है जांच की जा रही है। अभी तक कोई आरोपी नहीं मिला है तो अज्ञात में जारी किया गया है केस और टोटल जो है नग है 0.027 घन मीटर लकड़ी जब्त हुई है जिसकी कीमत है शासकीय रूप से 16,850 रुपये।
और आगे जांच की जा रही है और इसमें आगे भी सख्ती। बिलासपुर में शासन के निर्देशानुसार जनपद प्राथमिक स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल तिवारी रहे। वहीं आपको बता दें कि छात्राओं ने सामूहिक सुआ नृत्य और छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य प्रस्तुत किया। अतिथियों ने तिलक लगाकर फूल माला पहनाकर नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत भी किया। इसके बाद सभी अतिथियों के द्वारा प्रधान पाठिका निशा अवस्थी को G20 पुणे महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने पर प्रशिक्षित पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।